अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास इनरोलमेंट कंपेन स्टार्ट हो गई है अभी, सेशन 22-23, सॉरी 23-24। तो अभी जिस तरह से सारे बच्चों को रिजल्ट मिल गया है, अब मतलब एक स्कूल से कोई दूसरे स्कूल में एडमिशन जाएगा, कोई दूसरे में जाएगा, कोई किस स्कूल में जाएगा, कोई किस, तो उस इनरोलमेंट कैंपेन को हम लोग अपने पास तो लिख लेते हैं, लेकिन उसको देखें पिछली दफ़ा की तरह ऑनलाइन भी करना है। तो जिस तरह से लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑनलाइन किया था, उस तरह से इस दफ़ा भी करना है। उसका प्रोसीजर आप लोगों को मैं दोबारा से रिमाइंड करवा लेता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, अगर कोई बिलफर्ज आप लोग गलती कर रहे हैं तो ताकि वो भी आप लोग ना कर सकें। और फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहीं से समझ नहीं आती, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी एक स्कूल की आईडी से लॉगिन करता हूँ। मैं जैसे ही स्कूल की आईडी से लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास ये देखें, ये डैशबोर्ड शो हो रहा है, और इसमें देखें ये यहाँ पर स्टूडेंट MIS। स्टूडेंट MIS में जाकर मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट कंपेन टारगेट, ये तो तकरीबन सब ने सेलेक्ट कर दिया है, कुछ थोड़े से स्कूल रहते हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपने स्कूल का कोई टारगेट सेलेक्ट कर लेना है। कोई हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए ना, कि हम लोग एक टारगेट फिक्स करते हैं, वो वाला काम करने कि हमारा ये टारगेट है, हमने यहाँ तक जाना है, तो वो एक टारगेट यहाँ पर फिक्स करके उसे सेव कर ले, और मतलब एक ही दफ़ा करना है, रोज़ाना नहीं करना। बस ये एक दफ़ा एंट्री कर ली, ये ओवरऑल स्कूल के लिए कर ली, बस इसको सेव कर दिया, इससे काम आप लोगों का ख़त्म हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों का काम है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, वो है डेली स्टूडेंट इनरोलमेंट। अब इसमें हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने डेली क्या काम करना। इसमें डेली हम लोगों ने यही काम करना होगा कि हमारे पास बच्चे कहाँ से आते, हमने ये चीज़ देखनी, हमने ये देखनी है कि बच्चे हमारे पास मतलब कहाँ से उठ के आ रहे हैं। जो बच्चे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे, प्राइवेट से आ रहे, या फिर ऐसा बच्चा जो कहीं पे नहीं पढ़ रहा था, जो जिसने स्कूल छोड़ दिया था 1-2 साल बाद अभी दोबारा से वापस आया है, या फिर बिल्कुल फ्रेश बच्चा है वो आया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि बाकी सारे कॉलम हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुए हुए, हमने क्या कर लेना है, इनरोलमेंट डेट, जिस तारीख को बच्चे आप लोगों के पास एडमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोगों के पास आज की डेट का एडमिशन हुआ, आप लोगों ने यहाँ पे डेट लिख ली। उसके बाद आपने देखना है कि बच्चा अपने पास कौन सी कैटेगरी में उसने एडमिशन, क्या वो बच्चा ऐसा था जैसे अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स ये समझा देता हूँ कि इस तरह से इनमें से कोई किस जिस कैटेगरी का वो बच्चा था तो उसकी एंट्री उसमें करना, लेकिन ये दिन में एक ही दफ़ा करना। तो ऐसे टाइम पे करना है जिस टाइम पे आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि हाँ जी, इस टाइम के बाद अभी किसी बच्चे ने नहीं आना आपके पास एडमिशन। तो ऐसा टाइम वही हो सकता है जब छुट्टी हो जाए, छुट्टी के बाद आप लोगों ने जो मतलब कि इस एडमिशन को देख रहे हैं टीचर्स, या जो स्कूल में कंसर्न बंदा है जो एडमिशन कर रहा है, तो वो जब छुट्टी हो जाए तो वो हमारे फोकस पर्सन को जो IAS पे काम करेगा, वो जो है उनसे ये डेटा ले ले कि हाँ जी, ये बच्चे किस कैटेगरी में आए हुए हैं, उनको ये फॉर्मेट दे देना है, उनसे फिर के बाद फॉर्मेट को वापस ले लेना है, तो वो आपको देगा, तो आपके लिए इजी रहेगा। आप लोगों ने यहाँ पर एंट्रीज कर ले, सबसे पहले आप लोगों ने उनको समझा देना है कि हमारे पास देखें 4 किस्म, एक है ड्रॉप आउट इनरोलमेंट। ड्रॉप आउट इनरोलमेंट वो वाले जो बच्चे स्कूल में स्कूल पढ़ रहे थे और अचानक से उन्होंने उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था और अभी दोबारा फिर स्कूल में आए, मतलब कि जो बच्चे स्कूल से निकल कर चले गए थे और अभी दोबारा आए, तो वो वाले बच्चे हमारे पास ड्रॉप आउट। एक जो है हमारे पास ड्रॉप आउट कैटेगरी आ गई। दूसरी हमारे पास जो कैटेगरी है वो है प्राइवेट इनरोलमेंट। प्राइवेट इनरोलमेंट वो जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूलों से बच्चे आए हुए, जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वो आ जाती है प्राइवेट। यानी कि 5th क्लास पास कर ली है प्राइमरी स्कूल से,
अब सिक्स में मिडिल में या हाई या हायर सेकेंडरी किसी एक स्कूल में भी आ जाते हैं, तीनों में से जिस स्कूल में भी आए वो हमारे पास पब्लिक एनरोलमेंट आ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चा हमारे स्कूल में आया वो प्राइवेट सॉरी पब्लिक एनरोलमेंट। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है वो है प्राइवेट एनरोलमेंट। और प्राइवेट एनरोलमेंट हमारे पास है क्या, प्राइवेट एनरोलमेंट हमारे पास वो है जो हमारे पास किसी भी प्राइवेट इदारे से बच्चा स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो हमारे पास प्राइवेट एनरोलमेंट। उसके बाद चौथी चौथी कैटेगरी हमारे पास वो है कि बच्चा कभी स्कूल नहीं, ऐसा बच्चा जो पहली दफ़ा एडमिशन ले रहा है, और वो इस केस में होता है जब वो बच्चा केजी में एडमिशन ले रहा है तब हो सकता है, उसके अलावा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडिल हाई और हायर सेकेंडरी के लिए फ्रेश एनरोलमेंट जीरो होगी हमेशा, आप लोगों ने यहाँ पे जीरो एंट्रीज कर दी। अब आपने बाकी देख ले रहे हैं कि आपके पास इसमें अगर फॉर एग्जांपल आज की डेट में जो है वो कोई बच्चा भी ड्रॉप आउट में नहीं आया, पब्लिक का एक आया है और प्राइवेट का कोई नहीं आया, तो आप लोगों ने इस तरह से, और अगर आप लोगों के पास प्राइवेट में जो है वो दो बच्चे आए हैं पब्लिक में एक आया है, तो आपने यहाँ पर दो यहाँ पर एक और यहाँ पर बाकी जो कॉलम एक्स्ट्रा हैं जो जिसमें कोई भी आपके पास एनरोलमेंट नहीं हुई वहाँ पर जीरो लिख कर आपने सेव कर लेना है। जब आप सेव करेंगे फिर उसमें चेंज करना डिलीट करना एडिट करना कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए आप लोगों ने सोच के देख के इत्मीनान के साथ एंट्रीज करनी है। बेशक छुट्टी के बाद आधे घंटे बाद कर लें आप लोग, घंटे बाद कर लें, लेकिन करनी आज की एंट्रीज आज की डेट, क्योंकि आप लोग जिस टाइम एंट्रीज करेंगे उसी टाइम हम लोग हमारे पास जो है वो रिपोर्ट आ जाती है, और फिर जब सेकंड टाइम पर 3-4 बजे जब हम लोग रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके स्कूल का नाम उसमें शामिल हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ कोई कोई भी मसला हुआ तो वो डायरेक्ट जो है हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पूछ सकते हैं, HRI का ग्रुप है, IMIS का ग्रुप है, उनमें आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको जो मसला भी हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग उसको हल करने की कोशिश करेंगे, हम लोग एक टीम है, टीम की तरह काम करेंगे तो तभी हमारा काम होगा, तभी हम लोग जो है वो कोई नेक्स्ट कदम उठा सकेंगे, कोई हम लोग देख सकेंगे कि हम लोगों की कारकर्दगी हम लोगों का हम लोग कर क्या रहे हैं। जब हम लोग मतलब के कुछ कोई काम कर रहे हैं और उसकी मतलब के किसी को प्रोग्रेस शो नहीं करते तो मतलब वो काम हमारा हमारे तक ही है, आगे किसी को कुछ नहीं करते, तो इसलिए आप सबने यहाँ पर एंट्रीज कर लेनी है। और अगर कोई क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आती उसके लिए आप लोगों ने डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज कर लेना है, आप लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत